जय जगत। सभी विचारों का मूल मानवतावाद होना चाहिए, सभी धर्मों का मूल भी मानवतावाद होना चाहिए, और वैसा कहते भी हैं, सभी धर्म मानवता के लिए ही है, ईमानदारी के लिए है, शांतता के लिए है, प्रेम के लिए है। लेकिन फिर भी कॉन्ट्राडिक्शंस होते रहते हैं। क्यों रहते हैं? तो जो चीजें करेक्ट नहीं है उनको करेक्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी लिखा हो उसमें से आज के दिन के लिए उपयुक्त नई चीजें जोड़कर मानवतावाद से पूरा और पुरानी गलत चीजों को छोड़कर बनाना चाहिए। धर्म छोड़ना चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसमें से जो चीजें हैं रखनी है, जो नहीं है नहीं रखनी है, उसके ऊपर सोच विचार कर दूसरे के ऊपर आक्रमण ना हो, यह बात देखनी चाहिए, तभी कॉन्फ्लिक्ट बनता है। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाता है कि मूल मानवतावाद है, और जब ही कोई अन्य अत्याचार करता है, चाहे कोई मेरा ब्राह्मण भाई भी आप मुझ पर अन्य अत्याचार करे तो मैं उसके खिलाफ होता हूं, जो मानवता पक्ष है वो मेरे बाजू में आता है। जैसे कि दुर्योधन के खिलाफ अर्जुन के पक्ष में गए थे, वो एक वीडियो बनाया था। तो उस प्रकार से जो अन्य अत्याचार के विरुद्ध कोई मत बने हैं तो वो भी ठीक है, जैसे कि दलित वाद है, मैं उसके पक्ष में हूं, उसमें इन्वर्टेड कॉमा है, कंडीशन अप्लाई है, तो दलित के पक्ष में हूं, स्त्री के पक्ष में हूं, हिंदू के पक्ष में, कम्युनिज्म के पक्ष में भी हूं, क्योंकि कामगारों के हित के लिए हुआ था। तो वो उस समय समय की बात है, करना पड़ता है। यदि विरुद्ध पार्टी अन्य अत्याचारी हो जाए तो उनके खिलाफ भी होना पड़ेगा, है ना? तो मूल रूप है मानवता, और बाकी ये सब दलितवाद, स्त्रीवाद, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं और विशिष्ट मात्रा में आते हैं। सोच लीजिए, अच्छा लगा तो बता दीजिए लोगों को, और इस ज्योत को जलाते रखिए।